तो नहीं है ना सर, क्या इसके बाद जय जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अनमोल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं दुबई कार्निवाल देखने, एकदम दुबई का नज़ारा होगा। प्रयागराज हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोगों को अंदर अभी बुर्ज खलीफा दिखाया जाएगा, एफिल टावर दिखाएंगे। कुंदन भाई ताजा ताजा मिले भी हैं। मिक्सर वाला झूला भी आया है, मिक्सर वाला झूला आया है सबको। और पीछे आप लोग देख सकते हैं खुद ही झूला चल रहा है, वो बड़ा वाला। अभी लाइट गजब की, रात का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त होगा, मज़ा आ जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके बैठ जाइए अलथरिया पलथरिया मार के। अब पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, एकदम ज़बरदस्त। अभी राइड इसमें जो जो है हम करके दिखाएंगे। तो जैसा कि अब हम लोग चल रहे हैं दुबई कार्निवाल का टिकट लेने, दुबई जाने का अपना वीज़ा बनवाएंगे हम दोनों, और 6-7 वीज़ा बनवाने हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि वीज़ा बनाने वाले ऑफिसर, 7 वीज़ा हम दो लोग बनवाएंगे। हाँ, और देखते हैं कि ऑफिसर साहब कितने पैसे लेते हैं वीज़ा का। तो आज आपको दुबई के दर्शन कराएंगे ज़बरदस्त। अभी उसमें कुछ वो भी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह। हाँ, कुछ चार्ज है दुबई, पासपोर्ट वीज़ा जो है वो लेना होगा। और बहुत ही चेकिंग होगी, मेडिकल भी होगा, इसके बाद ही हम लोग को दुबई जाने दिया जाएगा। ले लिया? ले लिया, ये 50। तो कितने का पड़ा वीज़ा आपको? 50 का है, 7-350। जो 7 लोगों का वीज़ा है वो कितने में बना? 350। 350 में बन गया है 7 लोगों का वीज़ा। बहुत कम में, लेकिन आगे चार्ज और लगेगा जी, जितने भी राइड हैं वगैरह। तो वीज़ा बन गया है, पासपोर्ट अपना अपना पकड़ो चलो। टिकट कलेक्ट किए? टिकट नहीं यार, वीज़ा बना है दुबई का। वीज़ा बना है, 50 रुपये में आइए इधर से। हम लोग और हम लोग अब धीरे धीरे दुबई एयरपोर्ट जाने के लिए दुबई की तरफ बढ़ते हुए, बाबतपुर एयरपोर्ट से होते हुए देख सकते हैं कितना बेहतरीन ढंग से प्रयागराज महोत्सव को डिजाइन किया गया है, एकदम दुबई बना दिया गया है। इस वक्त हम लोग मतलब यहाँ पे कई शहरों को एक साथ मिला दिया गया है। देख सकते हैं लंदन का वही ब्रिज है जो आपने फिल्मों में देखा होगा, एकदम हम लोग लंदन के ब्रिज से होकर गुजर रहे हैं। देख सकते हैं दुबई थीम कार्निवाल, यहाँ पर फ्रांस की इमारतें हैं, दुबई की इमारतें हैं, लंदन की इमारतें हैं। सब लोग इस दृश्य को कलेक्ट करना चाहते हैं अपने फ़ोन में। ओनली दुबई महोत्सव, दुबई कार्निवाल में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। दुबई महोत्सव की तरफ जाएंगे हम लोग अभी। कुछ कहना चाहते हैं? अंदर चले तब देखते हैं क्या कहना है क्या नहीं कहना है। देख सकते हैं दुबई कार्निवाल का दृश्य, हम लोग दुबई में प्रवेश कर चुके हैं, दुबई एयरपोर्ट से सीधा दुबई सिटी में घुस रहे हैं। सीधा बहुत ही चीप रेट में हम लोग दुबई घूम रहे हैं। अब भीड़ निकली है और संध्या के सब घर में घर गई है। सबसे पहले एफिल टावर, सीधा दुबई से हम लोग फ्रांस पहुंच चुके हैं, फ्रांस में पेरिस, पेरिस में एफिल टावर आपको देखने को मिल रहा है, पेरिस का एफिल टावर। बुर्ज खलीफा भी बगल में, और सामने है बगल में दुबई, दुबई और फ्रांस का जबरदस्त नज़ारा मिलन हो रहा है। बुर्ज खलीफा और एफिल टावर दोनों साथ साथ, और अभी तो दिन का नज़ारा है, कुछ ही देर में लाइटें जल उठेंगी और जगमगा जाएगा दुबई। तो हम लोग आ चुके हैं दुबई कार्निवाल में, और आप लोग देख सकते हैं हर तरफ बिल्डिंगें दिखेंगी आपको, अलग अलग देशों की नामी बिल्डिंगें। आप लोग देख सकते हैं कि पेरिस की
नामी एफिल टावर आपको दिख रहा है मेरे पीछे, और जस्ट सामने आप लोग देख सकते हैं बुर्ज खलीफा, सस्ता बुर्ज खलीफा। और रोमदा के आवाज़ में बोले तो ये क्या है, सस्ता बुर्ज खलीफा। हाँ, सस्ता बुर्ज खलीफा, 50 रुपए में वीजा बना है, दुबई घूम रहे भैया। दुबई, फ्रांस और लंदन का जो वीजा बना है हमारा फॉरेन का, 50 रुपए में 3 देश। सस्ता एकदम, सस्ता सुंदर टिकाऊ दुबई कार्निवाल। यहाँ पर खादी चश्मा है, 70 वाला, 70 वाला चश्मा, 70 वाला चश्मा जिसके 70 वाला है। देख सकते हैं दोस्तों, दुबई महोत्सव में मार्केट भी लगा हुआ है अंदर, एक तरीके से मेले की तरह लगा हुआ है। हर चीज़ बिक रही है, हर सामान बिक रहा है, कपड़ा चश्मा ये सब यहाँ पे बिक रहा है, खिलौने बिक रहे हैं, खाने पीने की भी दुकानें लगी हुई हैं, किताबों की दुकानें लगी हुई हैं, तस्वीरें बिक रही हैं, और दोस्तों झूले भी लगे हुए हैं, एक से एक एडवेंचरर राइड भी लगे हुए हैं। तो चल रहे हैं हम लोग, वही राइड करेंगे, वो हवा में जो फेंक देता है रॉकेट लॉन्चर, वही करेंगे। दोस्तों मेरे सामने देख सकते हैं भूत महल, और इसी बीच ऊंट जी मिल गए हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे मिक्सर वाला झूला, जिसमें आप बैठेंगे आपको मिक्सर की तरह एकदम ग्राइंड करके घुमा देगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेसिंग कार्स। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं वही राइड करते हैं भाई अब। तो भैया अब हम लोग आ चुके हैं रॉकेट लॉन्चर के पास, तो देखते हैं अभी पहले नज़ारा रॉकेट लॉन्चर का। देख सकते हैं अब कौन जाने को तैयार हुआ इसराइल, भाई को तैयार किए, बहुत हनुमान चालीसा से पढ़े हैं, हनुमान जी पूरा रक्षा करे, जय बजरंग बलि, जय बजरंग बलि, भेज लगा जाए। अरे राहु बाना तो ना काटे तो दबाव है कि नहीं, डर और तो नहीं है ना, डर क्या है, डर क्या है, आपका आवाज बहुत पतला लग रहा है, आवाज में काफी कमी दिख रही है। अरे रेड बुल रेड बुल पिए हैं पूरा, ओके कुछ होगा नहीं, बस हम लोग नीचे हैं सपोर्ट करेंगे, एकदम डर का माहौल है, डर का माहौल है।
लटक रहे हैं ऊपर लटक गए एकदम, बुर्ज खलीफा के शिखर को छू के आ रहे हैं। अभी उनको कैसा जाएगा एक्सपीरियंस, कैसा आप जानते हैं क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस हुआ आपको? आइए आइए नीचे 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 आरी साइड में साइड। तो आपको कैसा महसूस हुआ? पहली बार जब ऊपर गया तो एक बार अचानक से जब गया खतरनाक लगा, उसके बाद जब नीचे आया तो नॉर्मल। क्या क्या देखे? अरे कुछ नहीं देखे हमको तो हमको ऐसा लगा कि आप बुर्ज खलीफा के शिखर को छू के आ रहे हैं टॉप को। ये बात बड़े हनुमान जी दिखाई दे रहे, तो बड़े हनुमान जी ने आपको बचा ली। आज सुबह सुबह दर्शन किए थे आप? नहीं लेते हनुमान जी ने लेटने नहीं दिया देश से पकड़े हैं भैया डर एकदम तेज एकदम जिम कर जय हो बोला खाए था रेनबो गोला खाए, तो आज हम लोग गोला का लुत्फ उठाएंगे। आप उठाएंगे चुस्की? चुस्की नहीं तो पैकेट में आता है चुस्की। नहीं ये रहा चुस्की, वो तो चुस्की फ्लेवर है। आज आपको गोला मिलेगा बर्फ का गोला, बम का गोला बनाओ भैया बना। भाई बना दे तो कहाँ गया? कैसा महसूस हुआ? काफी लजीज है एकदम। क्या हाल है इसका भाई? आप टेस्टी है, मजा है, डिलीशियस है। ठंडा है ना? ठंडा वाला है भाई, बर्फ है, मिट्टी फाकी लग रहा है मिट्टी फाकी है क्या? मिट्टी फाकी लग रहा है यार। आम झर आम झर्रा तो नहीं है? आम का पन्ना है। कैसा लगा? बहुत गजब, बहुत और दोस्तों अब हम लोग स्मोक बिस्किट ट्राई करेंगे जिससे मुंह से स्मोक निकलता है। देख सकते हैं पहले उज्जवल भाई ट्राई कर रहे हैं, इसके बाद मैं भी ट्राई करूंगा। वो निकाल रहे हैं भैया ठीक ठाक स्मोक निकाल रहे हैं, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं बढ़िया से, बेकार हो गया बता रहे हैं। क्या बना रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? स्मोक वाला चलिए खिलाइए अनमोल राजा को। आराम से भूख ना, आराम से लिए रहो लिए रहो लिए रहो। हाँ लिए लो लिए रहो लिए रहो, निकली बंद कियो बंद कर। हाँ रुका रहो पर निकली। हाँ निकला अब खोल मुआ। लीजिए भैया जिसका वेट था वो आ गया। दुबई का रात्रि का नज़ारा देखिए, गजब की रंगीन लाइटें जल रही हैं और गजब का नज़ारा है, जगमगा रहा है एकदम दुबई। यहाँ पे एफिल टावर आप लोग देख सकते हैं फ्रांस का, उधर लंदन की बिल्डिंगें देख सकते हैं, उधर अबू धाबी की बिल्डिंगें हैं, मतलब दुबई एकदम आपके आँखों के सामने दिख रहा है एकदम जगमगाता हुआ। तस्वीर की दुकान पर आ चुके हैं, तो कौन सी तस्वीर ले रहे हैं? घर से फोन आया है कि राम लक्ष्मण सीता सही कब बैठे हुए भगवान की तस्वीर लेना है, तो वही बहुत ढूंढने के बाद मिला है। देख सकते हैं नीचे राम मंदिर की भी तस्वीर।
देख सकते हैं कि दुबई का जो टूर था वो पूरा हुआ, हम लोग दुबई से घूम के निकल चुके हैं। तो कैसा रहा दुबई का टूर? अच्छा लगा, इतना बड़ा शहर है, पूरा एकदम पैर और जवाब दे चुका है। दो बोतल पानी पिए हैं, दो बोतल वहीं खत्म कर दिए हैं, उसमें आधा तो मजा आया कि नहीं आया? एकदम ऊँट की तरह पानी पीते चले गए हैं, छह महीने नहीं पिए। मजा आया कि नहीं? घर के लिए सामान, दूरबीन वगैरह लिए, साड़ी खिलाना सब ले लिए। दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लास्ट तक देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।